हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है क्रैश फोरम में आपका। बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 4 थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। चार पार्ट में हम लोगों ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर का क्रैश कोर्स की वीडियोस बनाई हैं। ये चौथा पार्ट है और लास्ट भी है। इस पार्ट में हम लोग करेंगे स्पीड कंट्रोल थ्री फेज इंडक्शन मोटर की और करेंगे ब्रेकिंग थ्री फेज इंडक्शन की। पिछले लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करता हूँ बहुत लोगों ने देखा भी और काफ़ियों ने नहीं भी देखा, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से मिलके बना हुआ है। उसमें मैंने कराया है कॉगिंग, क्रॉलिंग, इंचिंग, जॉगिंग। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना मैंने बताए हैं और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बताए हैं, और वो क्वेश्चन आप जानोगे तभी आपको क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा नंबर्स का। चलिए तो आज शुरू करते हैं टॉपिक स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब सब आप लोग जानते ही हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ये रहा स्टेटर, और स्टेटर को देते हैं थ्री फेज सप्लाई। चलिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है, थ्री फेज सप्लाई देते हैं हम लोग। और रोटर, ये अंदर रोटर घूम रहा है। अब देखिए यहाँ अंदर मतलब रोटर है। अब देखिए जब थ्री फेज सप्लाई हम देते हैं तो क्या होता है, NS स्पीड से RMF घूमता है, बिल्कुल घूमता है। और जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो NR स्पीड से रोटर घूमता है, बिल्कुल घूमता है। तो जो ये NS स्पीड होती है और NR स्पीड होती है, NS स्पीड किस पे डिपेंड करती है, 120 FP पे, मतलब फ्रिक्वेंसी वेरी करेंगे तो NS स्पीड वेरी होगी। NS मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड वेरी होगी, और अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड वेरी होगी तो NR की भी कहीं ना कहीं स्पीड वेरी होगी, मतलब रोटर की भी स्पीड वेरी होगी। क्यों? क्योंकि रोटर कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को पता है किसके बेसिस पर चलता है, NS स्पीड के बेसिस पर चलता है। मतलब कहने का NR बस कुछ ही स्पीड कम होता है NS से। इतना आप लोगों को उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अब ये जो रोटर की स्पीड है इसी को हम लोग कम कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल कुछ मेथड्स के द्वारा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की मैं अगर बात करूं कंपैरेटिवली डीसी मशीन से, तो डीसी मशीन के कंपैरिजन में थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होती है वो वेरी करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को वेरी करना उतना आसान नहीं है जितना डीसी मोटर का है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी वेरी करनी पड़ती है तब जाके स्पीड वेरी होती है, और फ्रिक्वेंसी वेरी करना मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसी डिवाइसेस चाहिए जो फ्रिक्वेंसी को बदल सकें, वेरी कर सकें। और ऐसी डिवाइसेस कौन सी होती हैं, साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर बनता है SCR से। SCR क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस होती है। तो पहले तो ये और भी मुश्किल हुआ करता था जब SCR की डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई थी, मतलब तब SCR इतने ज़्यादा विकसित नहीं हुए थे, अब बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। इसीलिए स्पीड कंट्रोल अब तो फिर भी काफ़ी आसान हो गया है, अदरवाइज पहले तो बहुत मुश्किल रहा करता था। बात करते हैं स्पीड कंट्रोल मेथड की। दो तरीके से स्पीड कंट्रोल करी जा सकती है, एक तो स्टेटर साइड पर चेंजेस करके और एक रोटर साइड पर चेंजेस करके। इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। स्टेटर साइड पे और रोटर साइड पे अलग अलग तरीके से स्पीड कंट्रोल करी जाती है। आप लोगों के पेपर में मतलब TG2 के पेपर की मैं अगर बात करूं तो केवल नाम ही इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी डिटेलिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे अगर आपका JEE का पेपर होता है बिल्कुल इसके अंडर की डिटेल्स भी बताना ज़रूरी रहता, बट क्योंकि TG2 के पेपर में इसके नाम ही काफ़ी आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो वो पूछ लेता है इस तरीके से। अब आप देखिए स्टेटर साइड की बात करें तो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, फ्रिक्वेंसी वोल्टेज कंट्रोल, पोल चेंजिंग मेथड, स्टेटर रेजिस्टेंस मेथड, ये चार मेथड स्टेटर साइड पर कर सकते हैं। मतलब ये केवल और केवल स्टेटर साइड पर ही कर सकते हैं, रोटर साइड पर छेड़खानी नहीं होगी इन मेथड में। आपको जो नाम याद रखना है वो फ्रिक्वेंसी VYF कंट्रोल द्वारा काफी इंपॉर्टेंटली है जो यूज करते हैं, और पोल चेंजिंग मेथड को भी हम लोग मोस्टली यूज करते हैं VYF के बाद। बात करेंगे रोटर साइड की। रोटर साइड का स्पीड कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं आपको इसीलिए समझना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए। क्यों? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही हम रोटर साइड पर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हम स्टेटर रोटर को छेड़ ही नहीं सकते ना स्क्विरल केज में, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा कहाँ, स्क्विरल केज में। ये केवल पॉसिबल कहाँ हो पाएगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। क्या क्या मेथड्स होते हैं, रोटर रेजिस्टेंस मेथड,
स्लिप पावर रिकवरी मेथड, कास्केडिंग टेंडम कनेक्शन मेथड। यहाँ जो दो इम्पॉर्टेंट नाम है वो आप लोगों को ये ध्यान में रखने पड़ेंगे, स्लिप पावर रिकवरी और कास्केडिंग टेंडम। इतना उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए, तो ये चीज़ आप लोगों ने लिख ली होगी। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि ये एक लौता मेथड ऐसा है, कास्केडिंग टेंडम मेथड ऐसा है, ये एक लौता मेथड ऐसा है, ये इतना अच्छा मेथड है। सवाल जो पेपर में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, इस मेथड में चार डिफरेंट स्पीड प्राप्त हो सकती हैं हमें, मतलब इस मेथड के द्वारा हम चार तरीके की स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इस मेथड द्वारा, किसमें, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल के। इतना पॉइंट क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ ब्रेकिंग की। तो चलिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग शुरू करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की और समझते हैं ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होती क्या है, मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग और मैकेनिकल ब्रेकिंग में अंतर क्या होता है। इसको आगे बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके तीन नाम बता दूं जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के होते हैं। प्लगिंग जो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है, डायनामिक ब्रेकिंग, और तीसरा पॉइंट क्या है बताइए आप, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। देखिए सब में एक ही रहती हैं, अलग अलग नहीं है, याद रखिए सब में एक ही तरीके से रहती है ना, थ्री फेज सप्लाई है। तो याद रखिए सब में मतलब डीसी मशीन में भी ब्रेकिंग देखेंगे तो यही नाम होंगे, और थ्री फेज इंडक्शन में देख रहे हैं तो भी यही नाम है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्या होती है। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होती है, देखो ब्रेकिंग दो तरीके की होती है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ तो ब्रेकिंग दो तरीके की होती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है। अब मैकेनिकल ब्रेकिंग क्या होती है, आपने देखा होगा जैसे साइकिल में ब्रेक होते हैं वो मैकेनिकल ब्रेक होते हैं, क्योंकि वो गुट्टों के द्वारा, जैसे कोई गुट्टे लगा देते हैं, चीज़ें लगा देते हैं और वो रुक जाता है, वो होती है मैकेनिकल ब्रेकिंग। और जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है जो, वो क्या होती है, वो तारों के कनेक्शन में कुछ इस तरीके से बदलाव करते हैं कि मोटर रुक जाती है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। अब मैकेनिकल ब्रेकिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में नुकसान और फायदेमंद की बात करें, मैकेनिकल ब्रेकिंग खुद सोचिए, अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है मोटर की, मान लीजिए 4-5 हज़ार RPM पर स्पीड घूम रही है, तो उसे रोकने के लिए जो गुट्टे लगेंगे, जो मैकेनिकल चीज़ लगेगी, कोई भी चीज़ लगेगी, वो बहुत ज़्यादा हैवी लगनी चाहिए, नहीं तो वो रुकेंगे नहीं। दूसरी चीज़, कोई भी मैकेनिकल चीज़ होगी जो गुट्टे वगैरह लगाते हैं रोकने के लिए, स्टॉपर वगैरह लगाएंगे, वो कहीं ना कहीं घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे, रोकते रोकते घिसेंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब यहाँ पे गुट्टे लगेंगे, बार बार घिसेंगे, उसमें रिपेयर होगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, यहाँ कोई कॉस्ट नहीं है, तार को बदल के फिर से मोटर को रोक दो। तो कुल मिला के सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात और फंस जाती है, ये उतना फास्ट नहीं होता है, नॉट फास्ट, और ये वेरी फास्ट होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग वेरी फास्ट होता है। बात करते हैं प्लगिंग की, ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के ही टाइप्स है। प्लगिंग में क्या होता है, बात को सुनिए, पेपर में पूछते हैं कि प्लगिंग में क्या करते हैं, डायनामिक ब्रेकिंग में क्या करते हैं और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या करते हैं। प्लगिंग में समझते हैं सबसे पहले करते क्या है। ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है इसमें जो थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं उसकी अपनी एक फेज सीक्वेंस होगी, RYB फेज सीक्वेंस होगी। हम प्लगिंग में फेज सीक्वेंस को बदल देते हैं, ठीक है, वी इंटरचेंज द फेज सीक्वेंस, इंटरचेंज द फेज सीक्वेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं फेज सीक्वेंस को बदल देते हैं, और फेज सीक्वेंस क्या कर देते हैं, RBY। मान लीजिए RYB फेज सीक्वेंस है, तो हमने क्या कर दिया, वी इंटरचेंज द फेज सीक्वेंस, RBY कर दिया, या आप इस तरीके से कह लीजिए वी इंटरचेंज टू फेजेस, कोई भी, ऐसा नहीं एक कोई भी दो फेजेस को, वो बात एक ही है, उसमें फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर RYB दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे RYB दिया, तो ये NS स्पीड से मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, मान लीजिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, बट जैसे ही आपने फेज सीक्वेंस चेंज किया तो ये कैसा हो जाएगा, ये किस तरीके से, ये अभी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना, अगर मान लीजिए RYB में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जब हम फेज सीक्वेंस चेंज करेंगे तो जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, और वो डायरेक्शन क्या कर देगा, कुछ इस तरीके से कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी यार वो क्लॉकवाइज ही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब फेज सीक्वेंस चेंज करते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की
दिशा बदल जाती है, और क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदल जाती है सोई रोटर की भी दिशा बदल जाएगी, और रोटर की जब दिशा बदल जाएगी तो इस बात का क्या कहना है आपको समझना है इस चीज का कि रोटर की जैसी दिशा बदलने वाली होगी तो वो उल्टी घूमना चाहेगी, और जैसी वो उल्टी घूमना चाहेगी रोटर तो कहीं ना कहीं जीरो स्पीड पे आएगा। समझाता हूँ आपको, मान लीजिए एनएस आपका 1500 आरपीएम पे चल रहा है, ये एनएस चल रहा है, अब एकदम से एनएस को आपने चेंज कर दिया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को एकदम से चेंज कर दिया, कैसे, फेज सिक्वेंस बदलकर, फिर एकदम से क्या होगा, अच्छा रोटर अभी भी कैसा चल रहा है, रोटर अभी भी कैसा चल रहा है, वैसे ही चल रहा होगा, रोटर तो अभी वही चल रहा है ना 1500 पे, पर जैसे ही उसे पता लगेगा कि अब ये उल्टी डायरेक्शन में हो गया है 1500, तो ये भी ट्राई करेगा अपनी आप उल्टी डायरेक्शन में करने के लिए। तो कैसे होगा, ये जब उल्टी डायरेक्शन में ट्राई करेगा तो 1500 से 1000, 1000 से 0 आरपीएम, ऐसे ही तो कुछ चलेगा, जैसे ही ये 0 आरपीएम आएगा और फिर से दूसरी दिशा में जाएगा, मतलब कोई भी चीज, एक बात समझिएगा, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं 1500, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं 1500 की स्पीड से, अब आपको उल्टा 1500 की स्पीड से जाना है तो पहले आप 1500 से 0 जाएंगे, फिर 0 से 1500 जाएंगे, यही तो करेंगे, सेम ऐसे ही होगा। तो ये 0 से जाएगा फिर 1000 आरपीएम माइनस कह दूं दिशा बदलने पे, फिर जाएगा माइनस 1500 आरपीएम दिशा बदलने पे कह दूं, तो जैसे ही ये 0 पे आए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वहीं पे मैकेनिकल ब्रेक लगा के रोक देनी है, वहीं मैकेनिकल ब्रेक लगा के जैसे ही ये 0 के करीब आए क्या कर देनी है, रोटर को रोक देना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिकल ब्रेक लगा के रोक देना है, क्योंकि अगर आपने मैकेनिकल ब्रेक नहीं लगाए तो ये रोटर पीछे की साइड घूम जाएगा, याद रखिए। एक बात, दूसरी चीज, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि सप्लाई अगर डिस्कनेक्ट नहीं हुई तो ये रोटर मैकेनिकल ब्रेक लगे रहेंगे और सप्लाई भी चलती रहेगी, और सप्लाई चलती रहेगी तो रोटर कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, और रोटर कहीं ना कहीं घूमता रहेगा तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत बड़ी। तो कुल मिला के आपको सप्लाई भी डिस्कनेक्ट करनी है, याद रखनी। तो सप्लाई डिस्कनेक्ट करके क्या लगा देना है, मैकेनिकल ब्रेकिंग। पूछते हैं पेपर में मैकेनिकल ब्रेकिंग रिक्वायर्ड होती है प्लगिंग में या नहीं, तो अभी आप क्या समझ रहे हो, मैकेनिकल ब्रेकिंग रिक्वायर्ड होती है कि नहीं, रिक्वायर होती है, ये सवाल आता है पेपर में, ठीक है। सप्लाई डिस्कनेक्ट करना भी जरूरी है, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, दिक्कत है भाई, अदरवाइज तो मोटर फिर से, मतलब ब्रेक लगे रहेंगे और मोटर चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं ब्रेक टूट जाएंगे, फट जाएंगे, सब कुछ खराब हो जाएगा, मोटर एकदम टूट उड़ जाएगी बुरी तरीके से, ठीक है। चलिए, ये तो प्लगिंग रहा, अब बात कर लेते हैं डायनामिक ब्रेकिंग की। पूछता है डायनामिक ब्रेकिंग में क्या करते हैं, तो प्लगिंग में तो समझ में आ गया इंटरचेंज करते हैं, डायनामिक ब्रेकिंग में समझते हैं क्या करते हैं। ये स्टेटर है, ठीक है, और ये स्टेटर की मैं वाइंडिंग बना देता हूँ, मान लीजिए ये स्टेटर की ही वाइंडिंग मैंने बना दी, 3 फेज वाइंडिंग बना दी मैंने स्टेटर, ठीक है। अब डायनामिक ब्रेकिंग में क्या करते हैं वो समझिए, डायनामिक ब्रेकिंग में ऑब्वियसली नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं आप, 3 फेज सप्लाई लगाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में 3 फेज सप्लाई देते हैं किसी भी वाइंडिंग को स्टेटर की, जैसे यहां दी है मैंने, बस स्टेटर की जगह वाइंडिंग बना दी है। अब क्या होता है, जब भी हम 3 फेज सप्लाई देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 3 फेज सप्लाई चल रही है, डायनामिक ब्रेकिंग के लिए हम 3 फेज सप्लाई को हटाते हैं, यहां लगा देते हैं डीसी सप्लाई 2 फेजेस के बीच, बिटवीन 2 फेजेस, और इसे कर देते हैं शॉर्ट सर्किट, इसे कर देते हैं शॉर्ट सर्किट, मतलब 2 फेजेस के बीच में डीसी सप्लाई और 2 फेज आपस में क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से होता है क्या, डायनामिक ब्रेकिंग होती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या करते हैं, देखिए जब ऐसा करते हैं तो अब ऑब्वियसली इसके अंदर के कंसेप्ट हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है फिर वो रोक देती है, तो अब मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। बट हाँ, जो आने वाला सवाल है वो ये है, और रिजल्ट क्या है कि मोटर रुक जाएगी। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात करें, देखिए कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना अच्छा कंटेंट पहुंचा पाऊं, और उसमें आपकी मदद हमेशा चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है, कंटेंट अच्छा दिखता है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करिए। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की मैं बात करूँ, ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये रोटर जो है, तो देखिए स्टूडेंट रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग पहली चीज तो ये जो 2 तरीके की ब्रेकिंग होती है ये इंटेंशनली करी जाती है, मतलब हम जानबूझ के ये 2 तरीके की ब्रेकिंग करते हैं, और कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, इंटेंशनली डन, जानबूझ के करते हैं ये ब्रेकिंग,
ठीक है, इंटेंशनली डन। अब ये ब्रेकिंग हम जानबूझ के करते हैं, इसका मतलब ये ब्रेकिंग जानबूझ के नहीं करते हैं। कहने का इसमें मतलब क्या है कि ये जो ब्रेकिंग होती है ये हम खुद सेटअप तैयार करते हैं तब जाके पॉसिबल होगी, और ये जो ब्रेकिंग है ये मोटर को स्टॉप करने के काम आएगी, मोटर विल स्टॉप, ये मोटर को स्टॉप करने के काम आएगी। बट रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात करें, इसे हम इंटेंशनली नहीं करते, मतलब खुद से जानबूझ के नहीं करते, तो कैसे करते हैं? इस ब्रेकिंग में, ये ब्रेकिंग में क्या होता है, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना डोले, नहीं, जब भी एनआर की स्पीड, मान लीजिए आपने कोई ऐसी कंडीशन कर दी कि एनआर की स्पीड बढ़ गई है, एनएस से भी ज़्यादा हो गई है, एनआर की स्पीड एनएस से ज़्यादा हो गई है, अब ये कंडीशन नॉर्मल तो है नहीं है, कुछ ना कुछ झोल हुआ है, और वो झोल क्या हुआ है समझिए, मान लीजिए आपकी कोई क्या कहते हैं आपकी मोटर चल रही है, कुछ ऐसे समझ लीजिए कि आपकी मोटर लगी हुई है किसी गाड़ी के अंदर लगी हुई है या किसी लोको के अंदर इंजन के अंदर लगी हुई है, और वहाँ से ओवरहॉलिंग लोड है, ढलान वाला लोड है। अब ढलान पे क्या होगा, स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, मतलब रोटर की स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, और वो कितनी, इतनी बढ़ जाएगी कि सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा, जो स्लिप होगी NS-NR/NS, तो क्या होगा, देखो अगर यहाँ पर NR की स्पीड कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गई तो माइनस कहीं ना कहीं चीज़ ज़्यादा हो रही है तो स्लिप भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। स्लिप नेगेटिव का क्या मतलब है कि अब ये मोटर जो यहाँ से सप्लाई ले रहा था, अब ये मोटर यहाँ से सप्लाई जो ये ले रही थी, अब ये सप्लाई देने लगेगी उल्टा, मतलब मोटर जनरेटर की तरह काम करने लगती है, मोटर विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक जनरेटर, तो मोटर किसकी तरह काम करने लगती है, जनरेटर की तरह काम करने लगती है मोटर, याद रखिए। एक बात हो गई, दूसरी बात की बात करें कि मोटर विल स्टार्ट एक्ट लाइक अ जनरेटर, अगर हम ये बात यहाँ पर कर लेते हैं, और किस तरीके से ये ब्रेक लगती है, देखो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर एकदम से रुकती नहीं है, इसमें तो हम मोटर को एकदम से रोक सकते हैं। डायनामिक ब्रेकिंग में मैं एक बात बताना भूल गया कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ मैकेनिकल ब्रेकिंग, यहाँ पर मैकेनिकल ब्रेक्स नहीं रिक्वायर होते, जबकि यहाँ होते थे, ऊपर होते थे। एक बात, दूसरी बात, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर जनरेटर की तरह काम करती है, एक चीज, और क्या होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग में, यहाँ मोटर एकदम से नहीं रुकती है, मोटर की स्पीड को हम लिमिट कर सकते हैं, मतलब मोटर विल नॉट स्टॉप, मोटर स्पीड विल लिमिट, मतलब मोटर रुकेगी नहीं, उसकी स्पीड में कमी आएगी, तो स्पीड विल गेट लिमिट, मतलब स्पीड की जो स्पीड है उसमें कमी आएगी, ना कि मोटर पूरी रुक जाएगी, याद रखिए। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में कैसे एक्ट करती है, जब स्लिप नेगेटिव होने लगेगी, खुद सोचिए तो क्या होगा, टॉर्क क्या होता था, देखिए हर चीज का कंसेप्ट है, टॉर्क क्या होता था, SR2, ऑब्वियसली E2 भी होता था, बट अभी मतलब नहीं है। अब आप खुद सोचो, अगर स्लिप नेगेटिव हो गई तो टॉर्क भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे स्लिप नेगेटिव हुई तो टॉर्क नेगेटिव, मतलब अब इस पर रोटर पे बल उल्टा लगने लगेगा, तो ये मोटर की स्पीड क्या होने लगेगी, कहीं ना कहीं कम होने लगेगी, पर क्योंकि ढलान है तो ये फिर से बढ़ेगी, फिर टॉर्क नेगेटिव होगा, फिर टॉर्क पीछे की तरफ धकेलेगा, पर ये ढलान है तो फिर भी NR बढ़ेगी, तो इससे मोटर स्पीड बढ़ेगी घटेगी, लिमिट होके रहेगी कुल मिला के, तो मोटर की स्पीड जो है लिमिट होके रहेगी, और जब ये ओवरहॉलिंग लोड, इसे कहते हैं ओवरहॉलिंग कंडीशन, ढलान की कंडीशन को कहते हैं ओवरहॉलिंग। तो याद रखिए, पेपर में सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहाँ यूज होती है, ओवरहॉलिंग कंडीशन पे यूज होती है। क्लियर है इतना पॉइंट। जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज करी जाती है वो प्लगिंग की जाती है, फास्टेस्ट ब्रेकिंग होती है प्लगिंग। प्लगिंग क्या होती है, फास्टेस्ट ब्रेकिंग होती है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, उम्मीद करूंगा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे अगर कंटेंट अच्छा लगा तो। थैंक यू।